अंबेडकर नगर। अजगर निकलने से दहशत में थे लोग ग्रामीणों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। संबंतपुर के रुस्तमपुर अशरफपुर पट्टी गांव के कोठिया मोहल्ले में गत बृहस्पतिवार को अजगर निकलने से हड़कंप मच गया था। सूचना वन विभाग की टीम को दे गई लेकिन काफी इंतजार के बाद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा था। गांव के लोग किसी अनहोनी की आशंका से परेशान थे। रुस्तमपुर अशरफपुर पट्टी गांव के तरुण मित्र अखबार के पत्रकार मोहम्मद रजा हैदर के घर में अजगर निकलने की सूचना पे अंततः दो दिन बाद वन विभाग की टीम मौके पहुंची लेकिन अजगर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। इस दौरान मौके पर जुटी भीड़ तमाशबीन बनी रही लेकिन कोई भी अजगर को पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अप्रिय घटना की आशंका में चार दिन गांव में दहशत का माहौल रहा। रविवार को मोहम्मद रजा हैदर, अलामदार हुसैन, दिलबर हसन, अब्बास उर्फ मोहम्मद मासूम, शबाब आदि ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाते हुए मिट्टी की दीवार गिराकर बड़ी मुश्किल से विशाल अजगर को पकड़ा। उसके बाद बोरे में भरकर तमसा नदी के पास स्थित जंगल में छोड़ दिया। चार दिन बाद अजगर पकड़ने से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। मैं मोहम्मद रजा हैदर, क्राइम संवाददाता, तरुमित हिंदी दैनिक, जनपद अम्बेडकर नगर। मेरा गांव ग्राम रुस्तमपुर असरपट्टी कोटिया मोहल्ला थाना संबनपुर जनपद अम्बेडकर नगर। चार पाँच दिन पहले मेरे घर पर विशाल अजगर निकला था जो बगल की दीवार में घुस जाता था। बार बार प्रयास किया गया, वन विभाग को सूचना दी गई, फिर भी वन विभाग के दो माली सिरिब आए, न कोई आया। जब मैंने कल एडीएम साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब का फ़ोन किया तो वहाँ से बंद दरोगा व दो माली आए, नाकाम रहे। आज कड़ी मेहनत से हमारे मोहल्ले के दिलबर चा, शबाब, मोहम्मद हम, मोहम्मद रजा हैदर और मोहल्ले के लोगों ने हिम्मत करके दीवार को खोदा और अजगर को बाहर निकाला। और भारी सी भीड़ लग गई थी, अजगर को रस्सी में पकड़ के, बोरी में पकड़ कर यहीं बगल में नदी किनारे, घाट के किनारे, पुराने चौक के पास झाल में जंगल में छोड़ दिया। वन विभाग कोई बड़े हादसे को इंतजार चाहता था, वन विभाग रहा नाकाम।